हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगा चुके हैं फ्रेंड्स, और ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स। फिर इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे जो विश्व की नहरें हैं और विश्व के महाद्वीप जितने फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा प्राइम टारगेट होगा जो विश्व की नहरें फ्रेंड्स। और फिर हम देखेंगे नहरों से 30-35 क्वेश्चन है, और उसके बाद हम देखेंगे लगभग 60 क्वेश्चन किससे, विश्व के जो महाद्वीप हैं उनसे फ्रेंड्स। एक बार फ्रेंड्स सीक्वेंस में हम चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पनामा नहर फ्रेंड्स। पनामा नहर किन किन को जोड़ती है, किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये देखिए, ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से फ्रेंड्स, व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की तरह इतनी कम महत्वपूर्ण क्यों है फ्रेंड्स? तो इसकी कम महत्वपूर्ण क्यों है सुएज नहर के अकॉर्डिंग? तो ये देखिए, घने फ्रेंड्स, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता फ्रेंड्स। जितना कि जो व्यापार वगैरह होता है फ्रेंड्स सुएज नहर से होता है, तो उतना व्यापार यहाँ घने जो आबाद देश वगैरह हैं तो ये इनका व्यापार यहाँ से नहीं होता फ्रेंड्स। इसी वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, यह है मार्ग फ्रेंड्स, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यह मार्ग पहले डेल्टा के रूप में नहीं था, यही हमें गलत बताना था, तो यही गलत है फ्रेंड्स, पहला ही गलत है। बाकी ये देख लीजिए, यह संसार का फ्रेंड्स 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, किसके? पनामा के नहर के द्वारा। आगे देखिए, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इसकी लंबाई याद रखना ये 64.8 किलोमीटर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पनामा फ्रेंड्स, पनामा के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है फ्रेंड्स? तो यह है कोलोन फ्रेंड्स। उत्तरी पत्तन की बात हो रही है, यानी कि ऊपर की साइड फ्रेंड्स, तो ये ऊपरी की साइड है उत्तरी पत्तन कोलोन फ्रेंड्स। और ये दक्षिणी पत्तन की बात करें तो दक्षिणी है पनामा फ्रेंड्स। पनामा नहर के दक्षिण में कौन सा पत्तन है या फिर कौन सा बंदरगाह है? तो ये पनामा ही बंदरगाह है फ्रेंड्स। आगे देखिए, विश्व की जहाज रानी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की जहाज रानी कहते हैं सुएज नहर को फ्रेंड्स। आगे देखिए, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये UPSC में कई बार पूछा है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, सुएज नहर के ऊपरी सिरे पर फ्रेंड्स, यानी कि उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो यह है पोर्ट शहीद फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरी सिरे पर पोर्ट शहीद फ्रेंड्स। अगर ये पूछ रहे दक्षिणी सिरे पर कौन सा है, तो ये हो जाएगा सुएज पत्तन फ्रेंड्स। ये देखिए, दक्षिणी सिरे पर है, तो ये सुएज पत्तन है फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं विश्व की नहरें, आगे देखिए सुएज नहर फ्रेंड्स, सुएज नहर में जालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि नहरों के दोनों किनारों और फ्रेंड्स, नहरों के दोनों किनारों और समुंदर तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है फ्रेंड्स। जो ये नहर वगैरह है, इसके दोनों किनारों पर और समुद्र के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जालों का अभाव पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1854 में फ्रेंड्स, बननी शुरू हुई थी 1869 में बनकर ये तैयार हो गई थी फ्रेंड्स। ये देखिए, तैयार हो गई थी 1869 में, और इसकी लंबाई वगैरह पूछ ले तो ये 168 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ये देखिए, आ ही गया 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सू नहर फ्रेंड्स, सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो ये सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी अमेरिका की ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, इन सबको मैंने करा दिया है फ्रेंड्स पिछले पार्ट में ही। कील नहर फ्रेंड्स, कील नहर किसको जोड़ती है? तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, और इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, कील उत्तरी बाल्टी में फ्रेंड्स, कील उत्तरी बाल्टी में, की से बनेगा कील नहर, उत्तरी से बनेगा उत्तरी सागर, और बाल्टी में मतलब बाल्टिक सागर फ्रेंड्स। तो कील नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से फ्रेंड्स। आगे देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बना है, तो ये कील नहर फ्रेंड्स, क्रा नहर फ्रेंड्स, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये थाईलैंड की है फ्रेंड्स। आगे देखिए, पनामा फ्रेंड्स, पनामा जल डबरू मध्य फ्रेंड्स, पनामा जल डबरू मध्य या फिर पनामा संधि को आर पार फ्रेंड्स, आर पार नहर खोदने का विचार किसका था फ्रेंड्स? तो ये नहर आर पार खोदने का विचार था हम्बोल्ट का फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सू नहर फ्रेंड्स, सू नहर स्वीडन में नहीं है, और ना ही ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये हमने पढ़ा है कील नहर फ्रेंड्स, एक सेकेंड
किरण, ये अभी हम पढ़ के आए कील नहर, ये जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र में है, ठिकाण, और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पनामा, ठिकाण, पनामा, पनामा नहर में पनामा है, ठिकाण, यह है कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सू नहर है, ठिकाण, तो ये स्वीडन में नहीं है, इतना याद रखना। आगे देखिए, ठिकाण, सुएज नहर, सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किन दो समुद्री यात्राओं का जो मार्ग है छोटा हो गया, ठिकाण, तो किन का हो गया, तो ये हो गया लंदन और इंग्लैंड के बीच, जब से सुएज नहर बनी है तो इनके डिस्टेंस की दूरी कम हो गई है, ठिकाण, डिस्टेंस कम हो गया है। आगे देखिए, पनामा, ठिकाण, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न क्यों है, ठिकाण, तो देखिए इसमें लोक, ठिकाण, इसमें लोक प्रणाली है, ठिकाण, लोक प्रणाली है या फिर जलपाश प्रणाली है, इसलिए पनामा नहर भिन्न है सुएज नहर से। पनामा नहर का निर्माण हुआ था, ये 1914 में हुआ था, और ये 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, इन नंबरों पे मैं जाना, जैसा कि मैंने बता दिया, इस बार डाटा इस तरीके से प्रिंट करा, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे महाद्वीप, ठीक है, जो विश्व की नहरें वगैरह थी, सू नहर, कील नहर, और क्या कहते हैं, सुएज नहर, पनामा नहर, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये इतनी ही नहरें हैं, ठीक है, होने को तो बहुत सारी हैं, बट हमारे को सब नहीं पढ़नी है, एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी मोस्ट मोस्ट हैं वो पढ़नी है, ठीक है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे देखिए भी कि किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप यानी कि सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं, तो सफ़ेद बर्फ ही बर्फ जमी है अंटार्कटिका में, ठीक है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो ये यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, महाद्वीपों का महाद्वीप, तो ये एशिया को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, द्वितीय महाद्वीप, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने कल भी बहुत सारा बताया था, प्यासी भूमि, ठीक है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, द लैंड ऑफ कंगारू, ठीक है, तो ये प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, कल मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया था, ठीक है। तो कुछ और रह गया था क्या बताने को इसके लिए, ठीक है। हाँ, एक बार कई बार क्वेश्चन ये बन जाता कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो इंग्लैंड का एक यात्री था कुक, ठीक है, उसने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तस्मान वगैरह की खोज की थी, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एशिया महाद्वीप को कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मानव का घर महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, ठीक है। सब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित माना है, तो विज्ञान की बहुत वगैरह खोज होती है अंटार्कटिका में, ठीक है। और आगे देखिए, ठीक है, इंडिया के भी दो यहाँ पर वो बने हुए हैं अनुसंधान केंद्र, एक है भारती और एक है मैत्री, और एक था गंगोत्री, ठीक है, तीन थे, अब रह गए हैं दो, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, अंध महाद्वीप, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं के विद्वानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है, तो एशिया को, ठीक है, एशिया को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है। आगे देखिए, दो महाद्वीप, ठीक है, दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो दो महाद्वीप कौन से हैं, तो ये अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, ये दो महाद्वीप, मतलब इनकी जो मिरर इमेज के भांति ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, किस महाद्वीप की संरचना एक, ठीक है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो ये है अंटार्कटिका, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर उत्तरी, ठीक है, किस महाद्वीप का, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में आता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो ये पूर्वी पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छद है, तो ये हिमाच्छद बता दिया, अंटार्कटिका में बर्फ ही जमी रहती है। आगे देखिए, ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा कहाँ से गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका के बीच से गुजरती हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, ज्वालामुखी का सर्वस्था अभाव पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था ना, कोई भी ज्वालामुखी वगैरह नहीं है, और यहाँ पर ना ही कोई ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, तो याद रखना।
आगे देख रहे हैं सबसे लंबी दरार महाद्वीपीय है, तो ये अफ्रीका में सबसे लंबी दरार घाटी पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स, तो ये माउंट मैकिले, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के अकॉर्डिंग कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है फ्रेंड्स। उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिले और दक्षिणी अफ्रीका के पूछ ले तो यह माउंट एकांकागुआ, ये देखिए आ ही गया है फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है तो ये माउंट एकांकागुआ है फ्रेंड्स। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है तो ये है माउंट विंसन मिसेफ फ्रेंड्स, माउंट विंसन मैसिफ फ्रेंड्स। आगे देखिए एशिया, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स यूरोप फ्रेंड्स, यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है तो ये माउंट एल्ब्रुस फ्रेंड्स। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है तो ये है माउंट क्यूस्को फ्रेंड्स, माउंट क्यूस्को। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो ये विक्टोरिया है फ्रेंड्स, ये पहले भी पढ़ा दिया लेकिन अब हम चल रहे हैं महाद्वीपों के ऊपर फ्रेंड्स। सब महाद्वीप देख रहे हैं तो किस महाद्वीप में क्या पड़ता है तो ये सब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, बल्कि ये झीलें वगैरह मैंने पहले पार्ट में करा दी थी फ्रेंड्स, बट अब हम महाद्वीप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तो ये कैस्पियन सागर है फ्रेंड्स, यही एशिया और यूरोप दोनों में पड़ती है। तो आयर आयर झील ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है फ्रेंड्स, और ये सबसे बड़ी है यहाँ की। आगे देखिए अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो ये लेक सुपीरियर है, कई बार बता दिया था फ्रेंड्स। आगे देखिए यूरोप की सबसे बड़ी झील तो ये है लैंडोगा झील फ्रेंड्स। आगे देखिए यूरोप यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है तो ये बोल्गा नदी है फ्रेंड्स, और ये डैन्यूब नदी है फ्रेंड्स, इसके बारे में बाद में बताता हूँ अभी चलिए फिलहाल। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो ये है नील नदी फ्रेंड्स, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अगर इसकी लंबाई वगैरह पूछ ले तो ऐसा कुछ है फ्रेंड्स, 6659 फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी, ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो ये मैंने कल बता दिया था, ऐसे याद रखना कि मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, ये दो नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंड्स। आगे देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो ये अमेजॉन है फ्रेंड्स, और इसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, 70 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। आगे देखिए उत्तरी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो ये है मिसिसिपी मिसौरी फ्रेंड्स। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा तो ये ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ही मकारी दिखाते हैं मैचों में, गाली गलौज करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया वालों फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है मकर रेखा फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये बहुत ही मक्कार हैं गाली गलौज करने लगते हैं फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। सर्वोच्च सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है तो ये अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है नीचे की तरफ फ्रेंड्स। आगे देखिए मरुस्थल विहीन है फ्रेंड्स, तो यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते तो अंटार्कटिका में कोई सांप वगैरह नहीं मिलता। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है केप अगलुआस फ्रेंड्स। आगे देखिए विश्व फ्रेंड्स, विश्व में मैदानों का सबसे ज़्यादा विस्तार तो ये यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदान है फ्रेंड्स। आगे देखिए किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे पठार हैं फ्रेंड्स, और ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है तो अफ्रीका का, जो अफ्रीका महाद्वीप है तो इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जलमार्गों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ तो यूरोप में फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ सीमाएं नहीं लगती हैं, तो मालदोवा के साथ सीमाएं नहीं लगती हैं, बेलारूस की नहीं लगती, रोमानिया और यूक्रेन की लगती है, तो पहला दूसरा आंसर है फ्रेंड्स। ये देखिए A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, UPSC के फेवरेट फ्रेंड्स। देखिए कथन और कारण वाला है फ्रेंड्स, पहला क्या कहता है अजमान संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमीरातों में से एक है फ्रेंड्स। दोबारा देखिए अजमान संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमीरातों में से एक है, तो ये पहला सही है। दूसरा देखिए उस अल खैमाह संयुक्त अरब अमीरात में जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य है, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, ये देखिए ये दोनों सही है। आगे देखिए मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र कौन सा है, तो यह है पुत्रजाया फ्रेंड्स, पुत्रजाया
आगे देखिए यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए टिवेंट्स और इनमें नीदरलैंड के साथ उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। टिवेंट तो ये बताना है नीदरलैंड के साथ किसका संबंध है। टिवेंट से यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये मिलान करने के दे रखा है ना, तो ये जगह इनसे मैच करती है नहीं। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये डाविस क्षेत्र ये डेनमार्क में नहीं पड़ता, ये रोल गारो क्षेत्र ये ना तो नीदरलैंड में पड़ता है, जो ये कान क्षेत्र है ना तो ये फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, जो ये कान क्षेत्र है तो ये फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारा पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये कान क्षेत्र है तो ये क्या कहते हैं फ्रांस में एक जगह है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अगर ये पूछ ले दक्षिण गंगोत्री कहाँ से निकलती है, तो ये फिर उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अभी बताया ना, क्या कहते हैं इंडिया की तीन है ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, तो ये दक्षिण गंगोत्री जो अनुसंधान केंद्र वगैरह है, प्रयोगशाला, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। यूरोप का आल्प्स पर्वत, ठीक है, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है तो ये आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत यूरोप में पड़ता है। आगे देखिए ये है एवन क्वालिटी का क्वेश्चन, UPBCS के कई बार ऐसे मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है, सबसे गर्म, फिर सबसे ठंडा, सबसे अधिक वर्षा, और डी में है क्या है, सबसे अधिक सूखा स्थान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे अधिक गर्म है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का एक अलजीजिया जगह है। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री नापा था। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक गर्म क्या है, तो अफ्रीका, यानी कि पहले का चौथा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहते हैं, सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक ठंडा है अंटार्कटिका, यानी कि तीसरा। और फिर देखिए तीसरा क्या कहता है, सबसे ज़्यादा वर्षा, तो ये चेरापूंजी में होती है, यानी कि दूसरा। ठीक है, और लास्ट क्या है, ठीक है, लास्ट है सबसे अधिक सूखा। ठीक है, सबसे अधिक सूखा कहाँ पर है, तो ये चिली का अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, सबसे अधिक गर्म जगह है तो ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में एक जगह पड़ती है अलजीरिया नाम की। ठीक है, तो वहाँ सबसे गर्म है। ठीक है, अलजीरिया ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये सारा है। ठीक है, और ये सारा अफ्रीका में पड़ता है, तो ऐसे याद रखना। सबसे अधिक ठंडा तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा तो ये चेरापूंजी में होती है, और सबसे अधिक सूखा स्थान तो ये चिली का है अटाकामा मरुस्थल। एटलस महाद्वीप, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और ये UPBCS 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, और अफ्रीका ना हो, ठीक है, अगर यहाँ पर अफ्रीका ना हो तो इसका अफ्रीका की जगह अगर मोरक्को, ठीक है, मोरक्को हो तो मोरक्को में पड़ता है ये एटलस महाद्वीप। ठीक है, और वहाँ जब UPBCS में क्वेश्चन पूछा था 2020 में, तो अफ्रीका ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे था मोरक्को। ठीक है, याद रखना मोरक्को ऑप्शन में था। आगे देखिए द लैंड ऑफ द गोल्डन पीस, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, ये राजधानियाँ वगैरह हैं, ये UPBCS के फेवरेट क्वेश्चन है, एक जोड़ा उठा के दे देता है राजधानियों का सेट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, पहला है केनिया, केनिया की राजधानी है नैरोबी, यानी कि पहले का। दूसरा ठीक है, फिर है युगांडा, ठीक है, युगांडा क्या है कंपाला, ठीक है, यानी कि बी का। चौथा और फिर है उज्बेकिस्तान, तो इसकी है ताशकंद, यानी कि पहला, और यूक्रेन की है कीव। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि 24-13। ठीक है, ये देखिए 24-13 यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए इनको सही क्रम में लगाना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आएगा लिस्बन, ठीक है, फिर लंदन, और फिर आएगा क्या बोलते हैं फ्रैंकफर्ट, और फिर बैरूत। ठीक है, यानी कि हमें इधर से इधर लगाना है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है, तो देखिए सबसे पहले लिस्बन, फिर आएगा इंग्लैंड, यानी कि तीन, यानी कि एक सेकंड, ठीक है, सबसे पहले आएगा दो लिस्बन, फिर एक, और फिर तीन आएगा फ्रैंकफर्ट, फिर आएगा चार, यानी कि 31-34 21-34। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसको याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है ग्रुप CD एग्जाम में पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और इंग्लैंड की राजधानी है जो कि टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और ये थेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है, और थेम्स को लंदन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बिस्केक, ठीक है, ये किर्गिस्तान की राजधानी है, ना कि तजाकिस्तान की। ठीक है, बिस्केक तो ये किर्गिस्तान की राजधानी, तो यही गलत है। ठीक है, बाकी
अम्मान जॉर्डन की है ट्रिवेंड्स, और उड़ान बटोर मंगोलिया की, साइना ये यमन की है ट्रिवेंड्स। आगे देखिए दो सबसे छोटे महाद्वीप, तो ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ट्रिवेंड्स। आगे देखिए एक सेकेंड, दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ट्रिवेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये क्राइस्ट चर्च, ये न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है ट्रिवेंड्स। पहले न्यूजीलैंड की राजधानी हैमिल्टन वगैरह होती थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वगैरह। अब पूछ लें अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो यह है बिलिंगटन ट्रिवेंड्स, बिलिंगटन ट्रिवेंड्स याद रखना। और ये हैमिल्टन एक न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की राजधानी थी पहले ट्रिवेंड्स, बट अब चेंज हो गई है काफ़ी टाइम से ट्रिवेंड्स। और ये पूछ रहे हैं हैमिल्टन कहाँ है, तो ये एक न्यूजीलैंड में भी है, अगर न्यूजीलैंड ऑप्शन में ना हो तो एक हैमिल्टन अमेरिका में भी पड़ता है। हंगरी की राजधानी याद रख लेना, ये बूडापेस्ट है ट्रिवेंड्स, और हंगरी के जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं पुस्टाल्स ट्रिवेंड्स। न्यूजीलैंड के जो घास के मैदान हैं उनको कहते हैं कैंटरबरी ट्रिवेंड्स। और ये केनिया की राजधानी याद कर लेना, नैरोबी ट्रिवेंड्स। आगे चलते हैं ट्रिवेंड्स, और एक याद रख लेना, जो ये न्यूजीलैंड है तो इसकी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है माओरी ट्रिवेंड्स। यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए राजधानियाँ हैं तो इनको मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं ट्रिवेंड्स। तो देखिए पहला क्या कहता है, विंडहॉक ट्रिवेंड्स, तो इसकी राजधानी क्या है, तो विंडहॉक की राजधानी है नामीबिया ट्रिवेंड्स, यानी कि दूसरा, दूर लिख क्या रहा हूँ आप यहाँ देखते रहिए ट्रिवेंड्स, यानी कि दूसरा। और दूसरे में क्या है ट्रिवेंड्स, यानी कि पहले का दूसरा, और अंकारा ट्रिवेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंकारा की राजधानी है घाना ट्रिवेंड्स। और नैरोबी की तो मैं बताई थी केनिया, और ये लुसाका की है जाम्बिया ट्रिवेंड्स, देख लेना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, कैनबरा है ट्रिवेंड्स याद रखना। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, बिलिंगटन न्यूजीलैंड की, रियाद ये सऊदी अरब की है आई थिंक ट्रिवेंड्स, और ये सिडनी ट्रिवेंड्स। ऑस्ट्रेलिया का जो रेलवे मार्ग है वो सिडनी से लेकर पर्थ तक जाता है ट्रिवेंड्स, कई बार पूछ लेता है ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग किसको जोड़ता है, तो ये सिडनी को पर्थ से जोड़ता है ट्रिवेंड्स याद रखना। महाद्वीप अलग कैसे है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ना, यानी कि विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग होते हैं ट्रिवेंड्स। आगे देखिए संसार का सबसे आर्द्र यानी कि सूखा, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है ट्रिवेंड्स, क्या चिली देश ट्रिवेंड्स। अंदमहाद्वीप तो ये अफ्रीका को कहते हैं, ये बता दिया है ट्रिवेंड्स। सन सिटी ट्रिवेंड्स, तो सन सिटी अफ्रीका में है ट्रिवेंड्स। अगर ये पूछ ले उगते हुए सूरज का देश, तो उसको जापान को कहते हैं ट्रिवेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मिलान करना है फिर से ट्रिवेंड्स, तो चलिए देखते हैं मिलान करना है ट्रिवेंड्स, तो यहाँ भी राजधानियाँ वगैरह बतानी है, तो चलिए देखते हैं ट्रिवेंड्स। पहला है कनाडा ट्रिवेंड्स, कनाडा ए में है कनाडा, और बी में है ग्रीस, सी में है नाइजीरिया, और डी में है सीरिया ट्रिवेंड्स। तो पहले कनाडा को ही देखिए, कनाडा की राजधानी है टोरंटो, यानी कि पहले का तीसरा ट्रिवेंड्स, पहले का तीसरा। अब बी में है ग्रीस, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यानी कि चौथा। आगे देखिए नाइजीरिया ट्रिवेंड्स, तो नाइजीरिया की राजधानी बताइए ट्रिवेंड्स, तो बताइए तीन चार ट्रिवेंड्स, उसी पे है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की राजधानी है लागोस ट्रिवेंड्स एक, और सीरिया की है डाइमक दशमिक ट्रिवेंड्स, ये कई जगह दशमिक भी लिखा मिल सकता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है डस्मक ट्रिवेंड्स, सीरिया की राजधानी है दशमिक ट्रिवेंड्स, तो ये यहाँ डस्कम डमकस लिखा हुआ है ट्रिवेंड्स, इसकी राजधानी है। ट्रिवेंड्स दशमिक ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है ट्रिवेंड्स, तो मिलान कर लीजिए, यानी कि तीन चार एक दो ट्रिवेंड्स। ये राजधानियाँ वगैरह की जो अगर आपको देखनी है ट्रिवेंड्स, तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें बहुत ओनली ट्रिक नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर राजधानियाँ वगैरह सब कुछ करा रखा है। लेकिन हाल फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक राजधानियाँ ट्रिवेंड्स, और जितने भी देश हैं उनकी राजधानियाँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानियाँ ट्रिवेंड्स, और उनकी जो भी करेंसी वगैरह चल रही है वहाँ पर उनकी वीडियो ला के दे दूँ ट्रिवेंड्स। तो आगे चलिए ट्रिवेंड्स, इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखें 95 तक ट्रिवेंड्स, इनको सही अवरोही क्रम में लगाना है ट्रिवेंड्स क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे ज़्यादा ट्रिवेंड्स अवरोही नहीं आरोही क्रम है ट्रिवेंड्स, आरोही क्रम है, यानी कि हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है ट्रिवेंड्स, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ट्रिवेंड्स। तो देखिए सबसे बड़ा है ब्राज़ील का ट्रिवेंड्स, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का, फिर सबसे छोटा है अर्जेंटीना ट्रिवेंड्स। ब्राज़ील का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का सबसे क्षेत्रफल बड़ा है ट्रिवेंड्स,
और क्या कहते हैं, भारत का ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से छोटा है अर्जेंटीना का। डिफेंस ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल इंडिया से काफ़ी गुना बड़ा है, लगभग 2.5-3 गुना बड़ा है। डिफेंस अपने इंडिया का लगभग 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है घनतम, डिफेंस लेकिन ऑस्ट्रेलिया का लगभग बहुत ही ज़्यादा है, डिफेंस ज़्यादा नहीं बहुत ही कम है, लगभग 3-4 व्यक्ति पर किलोमीटर है। डिफेंस डिफेंस तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसकी जनसंख्या लगभग 2,60,00,000 है, ठीक है। और इतने ही बच्चे 2,60,00,000 होगा लगभग हमारे इंडिया में हर साल पैदा हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। और इंडिया की जनसंख्या तो आप पूछो ही मत, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गया है 2,60,00,000, ठीक है। इसीलिए ये देश तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया से भी लगभग 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ का जो जनघनत्व है वो बहुत ही कम है, लगभग 3 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया में 3 ही व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पृथ्वी और पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये बता दिया अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है अफ्रीका, ठीक है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, ठीक है। थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं, तीव्र गति से क्या, ठीक है। ये तो वीडियो ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये लगभग 95 के क्वेश्चन अराउंड थे, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा क्या, ठीक है। यहाँ हमने देखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा है विश्व की जितने नहरें थी, ठीक है। तो ये पनामा नहर, सूर नहर, ठीक है, कील नहर वगैरह, ठीक है। तो इनको देखा, और दूसरा हमने देखा कि जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, उनके बारे में देखा, ठीक है, क्या कुछ है हर महाद्वीप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे जो विश्व के जो भी द्वीप वगैरह हैं, ठीक है, और विश्व के जो भी रेगिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ जा सके देख सकते हैं। जब मैंने शुरू शुरू में चैनल बनाया था तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं UPPCS के अकॉर्डिंग, उनको मैंने अपने हाथ से लिख के पेंसिल से, ठीक है, तब डाटा तैयार किया था, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ तो करा ही रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको 4-5 दिन रुक जाओ, जैसा कि मैंने कहा, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिलने लगी, ठीक है। तो उस पर कार्रवाई पीछे चल रही है, ठीक है, उस पर बैक एंड में काम चल रहा है, ठीक है। तो आप तब तक ज्योग्राफी का एंजॉय लीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी का डोज लगाते रहिए, और बाकी एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, और मिडेवल हिस्ट्री सब कुछ डिटेल में करा दिया है, एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से और मिडेवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से, लगभग पूरी कंप्लीट एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज करा के डाल रखा है, ठीक है। और इनकी मास्टर वीडियो भी मिल जाएंगी देखने के लिए, ठीक है। तो आप जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।